We will start with new chapter today. That is chapter number 11, electric current through conductors. अब normally आपको सॉलिड्स का इंट्रोडक्शन मैं इस चैप्टर में देता हूँ, जो मैं ऑलरेडी सेमीकंडक्टर में बता चुका हूँ. देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. कौन सा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. आपको 11th स्टैंडर्ड में हमारा मेजर फोकस है सॉलिड्स पे. तो आई रिपीट अगेन, बिफोर वी स्टार्ट 11th नंबर चैप्टर, एक चीज याद रखना, ओवरऑल फिजिक्स में आपको तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर का स्टडी करना है. टोटल पांच स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट वो बहुत हायर लेवल का फिजिक्स हो गया. दोस कंडेंसेट आर ओनली मेड इन लेबोरेटरी, वो नेचुरली नहीं होते, वो आर्टिफिशियली हम लोग बनाते हैं, उसको छोड़ दो. प्लाज्मा ये होता है वेरी हाई टेम्परेचर पे, फॉर एग्जाम्पल इनसाइड द सन और इनसाइड एनी स्टार, टेम्परेचर इज वेरी हाई, यू हैव प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर. प्लाज्मा मतलब बेसिकली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, वो भी हमको नहीं देखना है. हमको देखना है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे और नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर पे तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. उसमें मैंने आपको सेमीकंडक्टर जब स्टार्ट किया था तब बताया था कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. क्यों? क्योंकि सॉलिड्स के अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या होता है? पीरियोडिक होता है. अब ये जो नया चैप्टर हमको स्टार्ट करना है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको ये सारा का सारा बेसिक्स पता होना चाहिए. यू नीड टू नो, क्योंकि वापस से इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा. जैसे सेमीकंडक्टर में देखा था बैंड क्यों बने थे, वैसे यहाँ पे कंडक्शन क्यों मिलेगा, ये सब डिपेंड करेगा इंटरनल स्ट्रक्चर पे. तो सॉलिड्स में क्या होता है? पीरियोडिक अरेंजमेंट है, मतलब किसी भी दो एटम्स में डिस्टेंस बहुत कम है और किसी भी दो एटम में डिस्टेंस सेम है. तो सॉलिड्स हैव डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड्स में डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता. गैसेस में दोनों ही डेफिनेट नहीं होता है. अब मैं वो पूरा रिपीट नहीं करूंगा, यू जस्ट हैव टू नो बेसिक बेसिक आइडिया. सॉलिड्स का स्टडी करना है तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी सॉलिड का स्टडी करना है तो तुम तीन चीज कर सकते हो. करंट पास करके देखो, पास हुआ तो कंडक्टर है, नहीं हुआ तो बैड कंडक्टर है, कभी हुआ कभी नहीं हुआ तो सेमी कंडक्टर है. और सेमी कंडक्टर हमने ऑलरेडी देखा है डिटेल में, राइट? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. अगर हमको सॉलिड का स्टडी किसी और तरीके से करना है, किसी और तरीके से मतलब फोर्स अप्लाई करके, तो मैंने एग्जांपल भी दिया था, मेरे पास एक एग्जांपल अभी भी है. ये है मेरे पास एक मटेरियल है, रबर इरेजर. मैं इस पे फोर्स अप्लाई करता हूँ, इस फोर्स ने शेप चेंज कर दिया. इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स. फॉर्मिंग मतलब बनाना, डिफॉर्म करना मतलब बिगाड़ना. तो इस फोर्स ने क्या किया? बिगाड़ दिया. क्या बिगाड़ दिया? शेप बिगाड़ दिया. तो ये फोर्स क्या है? डिफॉर्मिंग है. और कौन सा है? एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स है. अब अगर मैं इस फोर्स को हटा देता हूं तो बॉडी का शेप वापस से वही हो गया जो पहले था. ऐसे बॉडीज को बोलते हो इलास्टिक बॉडीज, राइट? देन हमारे पास दूसरे टाइप के बॉडीज होते हैं जिसको बोलते हैं प्लास्टिक बॉडीज. प्लास्टिक बॉडीज में क्या होता है कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाए और शेप हो गया चेंज, तो अभी वापस से इसका शेप कभी सेम हो नहीं सकता. ऐसे बॉडीज को बोलते हो प्लास्टिक बॉडीज. तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी सॉलिड पे, वो सॉलिड उस एक्सटर्नल फोर्स को कैसा रिस्पॉन्ड करता है, कैसा बिहेव करता है, उसके ऊपर बेस प्रॉपर्टी जो भी होती है उसको क्या बोलते हो? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. फिर आप किसी सॉलिड का टेम्परेचर चेंज करके देखो, अगर आप मेटल को हीट करते हो तो मेटल का एक्सपांशन होता है, उसको बोलते हैं थर्मल एक्सपांशन. थर्मल मतलब टेम्परेचर की वजह से हुआ, इसलिए थर्मल एक्सपांशन. और अगर उसका टेम्परेचर कम करते हो तो उसका साइज हो जाता है कम, उसको बोलते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन. तो अगर आपको सॉलिड का स्टडी करना है तो तीन तरीके हैं, करंट पास करके देखो, फोर्स लगा के देखो, टेम्परेचर चेंज करके देखो. तो मतलब बेसिकली 11वीं में तुम्हारा फोकस सॉलिड्स पे है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल अभी स्टार्ट करेंगे ना, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, मतलब हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे. फिर चैप्टर नंबर 6 आएगा जिसमें हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे.
फिर चैप्टर नंबर 7 आएगा जिसमें हम लोग थर्मल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, मतलब ओवरऑल 11th स्टैंडर्ड पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है सॉलिड्स पे, लिक्विड और गैस आएगा 12th में। अब तीनों टाइप के प्रॉपर्टी हमको देखने हैं, तो वी विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट्स। तो जो अगला चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स। वो हमको ऑलरेडी पता है कि इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में से ही पास होता है, क्यों? क्योंकि जब हमने सेमीकंडक्टर का स्टडी किया था तब मैंने आपको एक एक चीज डिटेल में बताई है कौन से टाइप के एलिमेंट्स कंडक्टिंग होते हैं, जिनकी वैलेंसी या 1 या 2 या 3 होती है, मतलब मेटल्स। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब वैलेंसी 1 या 2 या 3 हो, मतलब लास्ट शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली बहुत दूर होते हैं। किससे दूर होते हैं? न्यूक्लियस से। और ऊपर से अगर आपको एटम का स्ट्रक्चर पता है, एटम का स्ट्रक्चर होता है सेंटर में न्यूक्लियस, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स किसमें है? ऑर्बिट में है। किसमें है? ऑर्बिट में। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इनर शेल्स है, इनर ऑर्बिट्स है, वो क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। इलेक्ट्रिक करंट कभी भी अंदर के फिल्ड ऑर्बिट से आता ही नहीं है, वो किससे आता है? लास्ट शेल से। तो जो अंदर के शेल फिल्ड है इसको हम एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं इसको? यहां तक क्लियर? तो इंपॉर्टेंट थिंग इज कंडक्टर में लास्ट शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वैलेंसी उसका 1 या 2 या 3 है। एक तो इलेक्ट्रॉन दूर है, ऊपर से ये जो अंदर के फिल्ड ऑर्बिट्स है ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट? क्योंकि सराउंडिंग में है ना, इसको प्रोटेक्ट करना, तो क्या करते हो? उसको घेर के रुक जाते हो, राइट? तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करके बैठे हैं? न्यूक्लियस को घेर के बैठे हैं। मतलब अगर बाहर के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ फोर्स, मतलब इंटरेक्शन करना होगा, तो शील्डिंग हो गया। किसने शील्डिंग कर दिया? इलेक्ट्रॉन्स ने। इसका मतलब जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है इस पे न्यूक्लियस की वजह से जो फोर्स है वो कम है। न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव। तो फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है? अट्रैक्टिव है, होना चाहिए, अट्रैक्टिव ही है, लेकिन लेकिन बिकॉज ऑफ शील्डिंग ये फोर्स क्या है? कम है। और अगर ये फोर्स कम है तो ये इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं फ्री। अब इमेजिन हमने ऐसे एलिमेंट से, मतलब मेटल से एक मटेरियल बना लिया, तो हमने मटेरियल बना लिया विथ एटम्स ऑफ मेटल, तो क्या होगा उसमें? क्या होगा उसमें? ये होगा, मैंने अभी भी बताया कि ये मेटल है, मेटल मतलब सॉलिड है, सॉलिड में अरेंजमेंट कैसा होता है? वेल डिफाइंड होता है। और एक चीज याद रखो, ये सारे के सारे मेटल है, इनका वैलेंसी 1 या 2 या 3 है, मतलब यहां से अगर एक एक सिंगल सिंगल एटम में भी एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया तो इस मेटल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। और जिस मटेरियल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, दैट इज वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब आप इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हो तो ये बहुत लॉजिकल चीज थी कि इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर से ही पास होगा, दैट इज वाई द चैप्टर इज नेम्ड एज इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, बिकॉज कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स विच हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये उसका इंट्रोडक्शन पार्ट था। इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही आपको पता होना चाहिए, सिंस मेटल्स हैव वैलेंसी 1 or 2 or 3 एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, हेंस दे बिकम, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड हेंस दे बिकम फ्री इजिली। देयरफॉर व्हेन अ मटेरियल इज फॉर्म्ड you have large number of free electrons and this free electrons can move throughout the material and hence such material can give you current, therefore conductors can conduct current, isliye to conductor bola hai na usko, yahan tak clear? ab humko sabse pehle electric current ko define karna hai aur electric current ka humko formula banana hai,
और हमको इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशंस भी फाइंड करने हैं, और हमको इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट भी चाहिए। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? एम्पियर। लेकिन मुझे अगर डायमेंशंस में पूछ लो तो बताओ व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम? चार्ज अपॉन टाइम मतलब कूलम रेस टू वन एंड टाइम रेस टू -1। तो अब तक आपने जो भी स्कूल लेवल तक, अफकोर्स स्कूल लेवल में इलेक्ट्रिक करंट कहीं ना कहीं डिफाइन हुआ होगा, लेकिन वो डेफिनेशन और अब डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज होगा। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो आई विल स्टार्ट विथ आस्किंग यू दिस बेसिक क्वेश्चन, बताओ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, वेरी गुड। अब रेट ऑफ चार्ज, बराबर है, रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज ऑल्सो करंट, एक ही बात है। अब दो चीज इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, नॉर्मली जब हम करंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं करंट थ्रू अ वायर, और वायर होता है वेरी थिन, वायर इज वेरी थिन। तो आप डिफाइन कैसे करते हो? आप बोलते हो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ पॉइंट, मतलब मैंने इस वायर का एक सिंगल पॉइंट ले लिया पी, इस सिंगल पॉइंट पी में से एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेकेंड में 10 कूलम का चार्ज फ्लो हो गया तो करंट कितना है? 10 एम्पियर। अगर एक सेकेंड में इस पी पॉइंट में से 5 कूलम का चार्ज फ्लो हो गया तो करंट कितना है? 5 एम्पियर, राइट। अगर इस सिंगल पॉइंट में से एक सेकेंड में 50 कूलम का चार्ज फ्लो हो गया तो 50 एम्पियर। बट इन रियलिटी वायर कितना भी थिन हो उसका एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। वायर अगर आप अच्छे से देखोगे तो वायर का एक क्रॉस सेक्शन होता है। मतलब अब तक जो आप बोल रहे हो करंट फ्लोइंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम, ये एक स्पेशल केस है जिसमें वायर इज एक्सट्रीमली थिन। लेकिन अगर मैं कंडक्टर लेता हूँ तो कंडक्टर तो थिक भी हो सकता है, तो उस केस में वायर उस केस में करंट कैसे डिफाइन करोगे? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, वहां पे चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। रिमेंबर मैं वापस बता रहा हूँ, नॉर्मली क्या होता है, आप बोलते हो आपके पास थिन वायर है, इस थिन वायर में अगर एक पॉइंट लेता हूँ, इस पॉइंट में से कितना चार्ज फ्लो हुआ एक सेकेंड में, उसको क्या बोलते हो? करंट। लेकिन वायर एक्चुअली एक्चुअली थोड़ा थिक भी हो सकता है। अगर वायर थिक है तो फिर आप क्या बोलोगे? एक सेकेंड में इस एरिया में से कितना चार्ज फ्लो हुआ, उसको क्या बोलोगे? करंट। तो करंट इज नथिंग बट चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सेक्शन, क्योंकि एरिया का नाम है सेक्शन, उसको क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं, सेक्शन भी बोलते हैं। तो चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में एक एरिया में से कितना चार्ज पास हुआ, उसको क्या बोलोगे? करंट, राइट। यहां तक क्लियर? अब अगेन गोइंग इन टू लिटिल बिट ऑफ डिटेल्स, जब हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर में कौन से चार्जेस फ्लो होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कौन से चार्ज है? नेगेटिव है। लेकिन करंट डिफाइन करते वक्त आपने कब बोला? मैंने पूछा व्हाट इज करंट, आपने क्या बोला? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। आपने कब बोला नेगेटिव चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज करंट? तो करंट डिफाइन करते वक्त नेगेटिव चार्ज ही लेते हैं क्या? पॉजिटिव नहीं चलता है क्या? पॉजिटिव फ्री नहीं होता है, कंडक्टर में नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइट नाम का चीज सुना है? केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट नाम का एक चीज आया होगा आपको। हाँ, तो पता है इलेक्ट्रोलाइट में दोनों चार्जेस फ्लो होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो इलेक्ट्रोलाइट में करंट आपको दोनों से मिलता है, पॉजिटिव से भी नेगेटिव से। तो जो इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट आप अभी तक सीख रहे थे, जिसमें आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, तो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम मतलब कौन फ्लोइंग है? इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव होते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर में हमने देखा होल्स भी मूव होते हैं, मतलब पॉजिटिव भी मूव होता है और नेगेटिव भी मूव होता है। तो अब टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक करंट, लेट अस टेक एन इमेजिनरी बॉक्स। ये एक इमेजिनरी बॉक्स है, इस इमेजिनरी बॉक्स में दोनों टाइप के चार्जेस है। दोनों टाइप के चार्जेस मतलब कौन है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक काम करता हूं, यहाँ जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो मैं ले लेता हूँ इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो लेट्स से हमारे पास एक बॉक्स था,
लेट अस से इस बॉक्स में दोनों टाइप के चार्जेस हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। लेट अस से ये जो पॉजिटिव चार्जेस है, ये जो ब्लू कलर के डॉट्स है, दे रिप्रेजेंट पॉजिटिव चार्जेस। लेट अस से ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स है, दे रिप्रेजेंट नेगेटिव चार्जेस। और यहाँ पे हम चार्जेस को कंसिडर कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मतलब है मोशन से, क्योंकि जब चार्जेस मूव होता है तो करंट मिलता है। फिर चार्ज वो गैस हो, गैस के एटम्स हो, या फिर चार्ज वो इलेक्ट्रॉन हो, या फिर चार्ज वो न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन हो, या फिर कुछ भी हो, तो अल्टीमेटली हमारा एम सिर्फ इतना है टू डिफाइन व्हाट इज करंट। तो करंट डिफाइन करने के लिए चार्जेस चाहिए। अब चार्ज तो गैस भी हो सकता है, तो हमारे पास एक गैस है यहाँ पे। थोड़ा नोटेशन समझ लेना, अच्छे से ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। हमारे पास एक बॉक्स था, इस बॉक्स में दोनों टाइप के चार्जेस हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। पॉजिटिव चार्जेस को मैंने डिनोट कर लिया ब्लू डॉट से, और नेगेटिव चार्ज को डिनोट किया है मैंने ग्रीन डॉट से। और लिखते वक्त मैं ऐसा लिखूंगा, जो पॉजिटिव चार्ज है उसको बोल दूंगा क्यू प्लस, और जो नेगेटिव चार्ज है उसको लिख दूंगा मैं क्यू माइनस। बाय डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट का डेफिनेशन क्या था? करंट इज डिफाइंड एज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ सेक्शन। अभी पॉइंट नहीं, वो स्कूल तक ठीक था। अब आपको ये समझना है कि एक पूरा क्रॉस सेक्शन है, एक एरिया है जिसमें से चार्जेस फ्लो है, क्योंकि आगे के जो इक्वेशन डिराइव होंगे उस केस में आप एरिया कंसिडर करोगे, पॉइंट नहीं। तो इट इज जस्ट लाइक दिस, हमारे पास एक कंडक्टर था, यहाँ पे कंडक्टर की जगह पे मैंने एक बॉक्स लिया है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन की जगह पे गैस लिया है, और इस गैस में दोनों टाइप के चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये है हमारे पास एक कंडक्टर, मतलब हमारे पास ऐसा एक बॉक्स है। बॉक्स में, बॉक्स का सेक्शन मतलब एरिया, तो जब चार्ज इस सेक्शन में से पास होगा, एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ उसको क्या बोलोगे? करंट, राइट। तो यहाँ पे वो सेक्शन कहाँ दिखाया मैंने, ये येलो कलर की लाइन। एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं। लेट अस से वी आर टेकिंग अ सेक्शन एट सम पॉइंट पी, तो पी पॉइंट पे एक सेक्शन ले लिया। बाय डेफिनेशन आप ही बता रहे हो और सही बता रहे हो, करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। बट वेट, यहाँ पे दो टाइप के चार्जेस है, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। अब इमेजिन इमेजिन अगर चार्जेस लेफ्ट से राइट मूव होते हैं तो उसको मैं बोलूंगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर चार्जेस लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उसको मैं बोलूंगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर चार्जेस राइट से लेफ्ट आते हैं तो उसको बोलूंगा मैं बैकवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड बैकवर्ड इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इज राइट टू लेफ्ट। तो तुमको जब करंट डिफाइन करना है तो कोई भी एक डायरेक्शन पहले फिक्स कर लो, आपको जो डायरेक्शन फिक्स करना है वो करो, फॉरवर्ड बोलो या बैकवर्ड बोलो। तो लेट अस से फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कौन सा है? फॉरवर्ड। ये कौन सा है? फॉरवर्ड। बैकवर्ड कौन सा होगा? उल्टा। उल्टा मतलब यहाँ पे, राइट राइट टू लेफ्ट। अब इमेजिन इमेजिन टोटल नंबर ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू दिस सेक्शन, सेक्शन कहाँ पे लेके रखा है? पी पॉइंट पे। इमेजिन टोटल पॉजिटिव चार्ज पासिंग थ्रू दिस सेक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज क्यू प्लस। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है तो ध्यान तो देना पड़ेगा, और फिजिक्स का प्रॉब्लम ही ये है, दिमाग में डालना है ना, तो इमेजिन बढ़ाओ। एक बॉक्स था, बॉक्स में दोनों टाइप के चार्जेस थे, उसको हमने लेके रखा है इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसा है? गैस जैसे। गैस क्यों लिया ये भी पता होना चाहिए। मैंने इसके लिए स्टार्ट वहां से किया था कि तुमको सॉलिड लिक्विड और गैस का डिफरेंस पता है क्या? पता है, सॉलिड्स में जो एटम्स है मतलब जो आयॉन्स है वो एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकते हैं क्या? नहीं, क्यों नहीं जा सकते? बिकॉज दे आर हैवी, और ऊपर से हैवी तो है ही है, दो एटम्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, इसलिए डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है। लिक्विड में डेफिनेट शेप था क्या? नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था? कम था। और गैस के केस में दो मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या? होता ही नहीं है।
और वो मॉलिक्यूल्स कहाँ पे भी जा सकते हैं, क्या जा सकते हैं, तो दे कैन मूव। हमको डिफाइन करना था करंट, करंट होता है मोशन ऑफ चार्जेस, बराबर, मोशन ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस का मोशन मतलब गैस मॉलिक्यूल का मोशन, और क्योंकि गैस मॉलिक्यूल कहीं पे भी मूव हो सकता है, इसलिए हमने चार्जेस को कैसा इमेजिन कर लिया, गैस जैसा। तो ऐसा है कि गैस लेने के पीछे रीजन ये था कि गैस इज फ्री टू मूव एनीवेयर, गैस कहां पे भी जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल आपने लिए ये रैंडमली मूव हो रहे हैं। याद है क्या रैंडम मोशन को और एक नाम था, ब्राउनियन मोशन। तो वी हैव कंसिडर्ड चार्ज पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ गैस। वी हैव बोथ द टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, एंड ऑल दिस गैस मॉलिक्यूल्स, बी इट पॉजिटिवली चार्ज और बी इट नेगेटिवली चार्ज, दे आर मूविंग कंटिन्यूअसली इन रैंडम डायरेक्शन। तो जब रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो फिर क्या होगा, वो इस सेक्शन को क्रॉस कर जाएंगे। सेक्शन क्यों लिया, क्योंकि करंट का डेफिनेशन है वो, चार्ज पासिंग थ्रू सम सेक्शन पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में कितना चार्ज पास हुआ, एक सेकेंड में कितना चार्ज पास हुआ, वो क्या होता है, करंट होता है। अब दोनों ही टाइप के चार्जेस मूव हो रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज भी क्रॉस कर जाएगा। अब जब क्रॉस कर जाएगा तो डायरेक्शन पहले मेंशन करना पड़ेगा, तुम डायरेक्शन फॉरवर्ड बोल रहे हो कि बैकवर्ड बोल रहे हो। तो लेट अस से फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो लेट अस से पॉजिटिव चार्ज जो इस सेक्शन पी को क्रॉस कर गया, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर गया, वो कितना है, क्यू प्लस है। और जो नेगेटिव चार्ज है इस सेक्शन को क्रॉस कर गया, क्यू माइनस है, क्यू माइनस है। कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बराबर। देन व्हाट इज द नेट चार्ज, नेट चार्ज, इमेजिन इमेजिन पॉजिटिव चार्ज 10 कूलम था और नेगेटिव चार्ज 4 कूलम है, तो नेट चार्ज कितना फ्लो हो गया, 6। तो नेट चार्ज फ्लोइंग इज नथिंग बट क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस। अब आप बोलोगे माइनस क्यू किया, ओ मत करो माइनस, प्लस कर लो, प्लस कर लो, क्योंकि पॉजिटिव भी फ्लो हुआ नेगेटिव भी फ्लो हुआ, लेकिन ये खुद कौन है, तो व्हाट इज प्लस ऑफ माइनस, तो मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया यहाँ पे, माइनस। व्हाट इज नेट चार्ज फ्लोइंग, क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस। बाय डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, करेक्ट। व्हाट इज नेट चार्ज फ्लोइंग, इट इज क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस। तो ये आ गया आपका डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि 10th स्टैंडर्ड तक हम सिर्फ एक सेंटेंस में बोल देते थे चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज करंट, लेकिन यहाँ पे चार्ज दो टाइप के आ गए, अब पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो चार्ज फ्लोइंग, कौन सा चार्ज फ्लोइंग, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेट चार्ज। अगर 10 कूलम पॉजिटिव था, 3 कूलम नेगेटिव था, तो 7 कूलम का नेट चार्ज है। अगर 10 कूलम पॉजिटिव था, 8 कूलम नेगेटिव था, तो 2 कूलम का नेट चार्ज है। तो बाय डेफिनेशन द डेफिनेशन विल चेंज नाउ, हम डिफाइन करेंगे नेट चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट। यहां तक क्लियर? जैसे ही आप एक नया पैरामीटर डिफाइन करते हो, इमीडिएटली यू हैव टू राइट डाउन एसआई यूनिट्स। यू नो व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ करंट, एम्पियर, लेकिन इट इज एक्चुअली चार्ज अपॉन टाइम, मतलब कूलम पर सेकेंड। और आपको पता होना चाहिए डायमेंशंस, वैसे तो हम डायमेंशंस लिखते हैं ए रेस टू वन, लेकिन अगर आपको इन टर्म्स ऑफ कूलम लिखना है तो कूलम रेस टू वन टाइम रेस टू माइनस। क्लियर, गुड। तो इसके आगे मतलब 11th के आगे करंट डिफाइन करते वक्त दोनों टाइप के चार्जेस कंसिडर करने पड़ेंगे, एंड दैट वॉज द रीजन कि जब हम सेमी कंडक्टर्स देख रहे थे तो हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टोटल करंट लिखा था IE प्लस IH, वेर IE इज करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस IH वाज करंट ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज होल्स। यहां तक क्लियर? अब क्योंकि इस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर, तो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कंडक्टर पे, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट बाकी के सब्सटेंस में भी होता है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट। मैं कुछ लिखूंगा नहीं यहाँ पे क्योंकि उसे पता होना चाहिए, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में
करंट आपको दोनों चार्जेस से मिलता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेमीकंडक्टर में करंट आपको दोनों चार्जेस से मिलता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेकिन हमारा फोकस किस पे है? कंडक्टर पे। और कंडक्टर में मूव कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। और वो नेगेटिव चार्ज मतलब कौन? इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्टर्स में करंट हमको कौन देगा? इलेक्ट्रॉन। तो हमारा पूरा फोकस किस पे होगा? इलेक्ट्रॉन पे होगा। यहां तक क्लियर? देन इमेजिन हमारे पास एक कंडक्टर है। अब मैं बार 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 बता रहा हूं, लेकिन ये अब यहां से आगे थोड़े चीजें चेंज होगी। कंडक्टर मतलब सॉलिड, सॉलिड मतलब पीरियोडिक अरेंजमेंट। पीरियोडिक अरेंजमेंट किसका? एटम्स का। इसके बाद मैं इसको एटम नहीं बोलूंगा, इसके बाद मैं इसको बोलने वाला हूँ पॉजिटिव आयन। क्यों पॉजिटिव आयन? क्योंकि आपको पता है कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फ्री होके आए? वैलेंस शेल से। एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं क्या? यस। तो एटम इन जनरल न्यूट्रल होता है क्या? यस। अब ऐसा सोचो, इमेजिन हमारे पास एक एलिमेंट है, एक एटम है जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। कौन सा है? सोडियम। वेरी गुड। तो प्रोटॉन कितने है? तो एटम क्या है? न्यूट्रल। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन वहां से गया तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? प्रोटॉन कितने है? तो ज्यादा चार्ज कौन सा है? कितना ज्यादा है? वन वन पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा। तो वो एक इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से एटम क्या बन गया? पॉजिटिव आयन बन गया। कंडक्टर में तो सारे के सारे एटम एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर देते हैं वैलेंस शेल से, तो ये सारे के सारे क्या बन गए? तो ये सब पॉजिटिव आयन्स है। और ये याद रखना, पॉजिटिव आयन्स के पास क्या है? पॉजिटिव आयन्स के पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मास कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा होता है। तो मैक्सिमम मास ऑफ एटम कम फ्रॉम न्यूक्लियस, मतलब जिसके पास न्यूक्लियस है वो हेवी है, और जो हेवी है वो मूव नहीं हो सकता। इसके लिए जो आयन्स है दे आर फिक्स्ड एट देयर पोजिशन, दे कैनॉट मूव। फिर मूव कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहां से आगे रियल फिजिक्स ऑफ कंडक्शन चालू होगा। अब तक मैंने बैटरी नहीं लगाई कहीं पे भी, आप देखोगे नहीं कि यहाँ पे हमने सेल लगाया है, नहीं लगाया हमने सेल, देयर इज नो बैटरी। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स मोशन में नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल मूविंग। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। हीट इज एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे हमको भी गर्मी में गर्मी होती है क्योंकि सराउंडिंग का हीट हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है, बिकॉज हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। गर्मी में सराउंडिंग ज्यादा टेम्परेचर होता है, बॉडी कम टेम्परेचर पे होता है, तो बॉडी मतलब हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? सराउंडिंग से हमारे बॉडी में। तो वैसे ही सिर्फ हमारे बॉडी में फ्लो होता है कि नहीं, जो भी सब्सटेंस सराउंडिंग में होगा, वायर कंडक्टर ये सराउंडिंग में यूज करते हो ना, तो इसके पास भी हीट जाएगा। हीट जाएगा तो कहाँ जाएगा? एटम्स के पास जाएगा। एटम्स ने हीट लेके क्या किया? इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया। अभी भी हीट है, फिर वो कहाँ गया? इलेक्ट्रॉन ने ले लिया। इलेक्ट्रॉन ने अगर हीट एब्जॉर्ब किया तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, फिर वो क्या करता है? फिर वो घूमता रहता है। इट जस्ट कीप्स ऑन मूविंग हियर एंड देयर थ्रू द मटेरियल। इसको बोलते हैं रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसको पता ही नहीं कहीं जाना है। पैसा मिल गया, गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, चलो रे घूमने। क्या करते हैं हम लोग? अब मेरे को पता है मेरे जोक्स बहुत पुअर है, लेकिन फिजिक्स के लिए यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। हमारे पास ज्यादा पैसा आ गया, हम डालते हैं गाड़ी में पेट्रोल और जाते हैं यहाँ वहाँ, पता ही नहीं होता कहाँ जाना है। पता है क्या? नहीं। वो तो फिर बाद में जब समझ में आया कि बहुत लेट हो गया, या तो फिर क्लास पे जाना है तो घर पे जाना है। वो भी उस पर भी आऊंगा मैं, थोड़ा समझ लो पहले। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अब तक बैटरी लगाई नहीं तो ये यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। इस मोशन को बोलते हो रैंडम मोशन, और ये बहुत हाई स्पीड से होता है। कितना हाई स्पीड? 10^6 मीटर पर सेकेंड। 10^6 मीटर पर सेकेंड वेरी हाई स्पीड, मतलब 10,000 किलोमीटर, 10,000 नहीं, 100, 1,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 1,000 किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड है। लेकिन आपने अभी बोला करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो चार्ज तो मोशन में है, फिर करंट क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला करंट?
क्यों नहीं मिला? क्योंकि रैंडम मोशन है। जब मोशन रैंडम हो तो अगर आप एक सेक्शन इमेजिन करते हो तो उस सेक्शन में जितने चार्जेस लेफ्ट से राइट आए उतने ही चार्जेस राइट से लेफ्ट चले गए, और यहाँ पे चार्ज सिर्फ एक टाइप का है, वो है नेगेटिव। तो जितना नेगेटिव चार्ज लेफ्ट से राइट आया उतना का उतना राइट से लेफ्ट गया, मतलब फॉरवर्ड करंट और बैकवर्ड करंट क्या हो गया? कैंसल। थोड़ी नेट करंट जीरो। तो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल बैटरी और एक्सटर्नल सेल, इवन दो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, यू गेट अ जीरो नेट करंट बिकॉज फॉरवर्ड करंट एंड बैकवर्ड करंट इज सेम इन दिस केस। यहां तक क्लियर? अब अगर मैं इसको एक बैटरी लगा दूं या सेल लगा दूं, अब सेल और बैटरी का डिफरेंस आप इसी चैप्टर में सीखोगे आगे जाके। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक सेल बोलते हैं, लेकिन जब ये सर्किट में मैंने दो सेल कनेक्ट कर लिए, बैटरी बन जाता है। तो सेल इज सिंगल आइडेंटिटी, बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। एक मतलब सेल, दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये बन जाता है बैटरी। आपके घर के इन्वर्टर का भी जो बैटरी होता है उसमें सिक्स सेल होता है ना, सिक्स सेल, वो छह अलग अलग सेल होते हैं, उसको खोल के वो पानी डालते रहते हैं उसके अंदर। अब जब आप लैपटॉप लेने जाते हो उसमें भी आपको बताता है वो, अरे ये 50,000 का है, वो 70,000 का है। फिर आपने पूछ लिया कि क्या डिफरेंस है, फिर वो आपको बताएगा इसमें रैम ज्यादा है, इसमें ये ज्यादा है, इसमें वो ज्यादा है। फिर और एक चीज भी बताएगा, वो बोलेगा ये 4 सेल है, वो 6 सेल है, मतलब जिसमें 6 सेल है उसका बैटरी बैकअप ज्यादा है, उसका ज्यादा टाइम चलेगा ना, 4-5 घंटे चलेगा वो। तो अब धीरे धीरे चीजें समझते जाओ। हम अगर यहाँ पे सेल कनेक्ट करते हैं तो सेल को दिखाते कैसे है और बैटरी को दिखाते कैसे है सर्किट में, अभी से क्लियर करते जाओ, अच्छा होगा दैट यू नो फ्रॉम नाउ। सपोज मैंने सिर्फ एक सेल कनेक्ट किया है, एक सेल मतलब एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, ये नोटेशन है किसका? सेल का। अगर मैंने एक से ज्यादा सेल कनेक्ट किए तो बैटरी बन गया। बैटरी के लिए आप कम से कम दो दिखाओगे, दो नेगेटिव और दो पॉजिटिव, इसको बोलते हो बैटरी। अब सेल हो या बैटरी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही आपने सेल या बैटरी कनेक्ट किया इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब आ जाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जैसे ही आपने सेल कनेक्ट किया तो सेल कनेक्ट करने की वजह से इस कंडक्टर के अंदर, रिमेम्बर जब तक आपने यहाँ पे कोई सेल या बैटरी नहीं लगाई तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो है। बट जैसे ही आपने सेल या बैटरी कनेक्ट किया तो इस कंडक्टर के अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया बिकॉज ऑफ दिस सेल, और डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स जो अब तक क्या कर रहे थे, अब तक रैंडमली मूव हो रहे थे, अब क्या होगा? अब वो पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। इस मोशन को बोलते हैं ड्रिफ्ट मोशन। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इन प्रेजेंस ऑफ सेल इज नोन एज ड्रिफ्ट मोशन। क्या बोलते हैं इसको? वहां पे मोशन कौन सा था? रैंडम मोशन। वो जो मोशन था उसमें जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड था उसको बोलते हैं रैंडम स्पीड, और वो रैंडम स्पीड की वैल्यू थी 10^6 मीटर पर सेकेंड। फिर क्वेश्चन ये आया कि जब हमने सेल लगा दिया यहाँ पे तो इस केस में रैंडम स्पीड का क्या हुआ? रैंडम मोशन खत्म हो गया क्या? नहीं, तो फिर क्या हुआ? रैंडम मोशन अभी भी है, सिर्फ इतना है कि यहाँ पे रैंडम मोशन की वजह से कोलिजन तो हो ही रहे, ये इलेक्ट्रॉन किस तरह कोलाइड हो रहा है आयोन्स के साथ। लेकिन पहले क्या था? पहले कंप्लीटली रैंडम मोशन था, मतलब डायरेक्शन क्या था? रैंडम था। लेकिन अब क्या है? कोलिजन होते 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 फाइनली वो कहाँ आ रहा है? एग्जैक्टली मैंने देखो जानबूझ के मैंने क्या बताया, कोलिजन होते 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 कहाँ जा रहा है वो?
बहुत स्लो जा रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होता है, वो 10^6 मीटर पर सेकेंड है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10^-3 मीटर पर सेकेंड है। -3 मतलब एक सेकेंड में सिर्फ 0.001 मीटर, करेक्ट। तो ये डिफरेंस है दोनों में। इन केस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इन प्रेजेंस ऑफ सेल, द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट मोशन एंड द वेलोसिटी पजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर ड्रिफ्ट स्पीड। तो ड्रिफ्ट स्पीड कितना होता है 10^-3 मीटर पर सेकेंड और रैंडम कितना होता है 10^6 मीटर पर सेकेंड। इन एब्सेंस ऑफ बैटरी या सेल नेट करंट कितना है जीरो। यहाँ पे नेट करंट क्या है नॉन जीरो क्योंकि ओवरऑल मोशन कहाँ पे है इलेक्ट्रॉन का लेफ्ट से मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक। इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव लेकिन आपको पता है कन्वेंशनल करंट उल्टा लेते हैं हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव। अब ये क्यों करते हैं उसका भी रीजन है। एक्चुअली मूव कौन हो रहा है इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिव चार्ज है। अब आप देखोगे हम नेक्स्ट क्लास में एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे किसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। बाय द वे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम नोट करते हैं वी सफिक्स डी से। तो यू विल सी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसके इक्वेशन में चार्ज आएगा क्यू। यहाँ पे चार्ज कौन था नेगेटिव था मतलब मैं जितने भी इक्वेशन बनाऊंगा उसमें सब जगह पे क्या लिखना पड़ेगा माइनस। तो वो माइनस अवॉइड करने के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि हमको पता है इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। हम उल्टा इमेजिन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जगह पे पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा होगा तो ये माइनस साइन लिखना पड़ेगा क्या। दैट इज द रीजन कन्वेंशनल करंट जब आप बोलते हो तो वो इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोजिट होता है। एक्चुअली कौन मूव हो रहा है लेकिन हम इमेजिन क्या करते हैं उल्टा। क्यों क्योंकि वो माइनस साइन हमको अवॉइड करना है इसके लिए। अब कल के सेशन में हम ड्रिफ्ट स्पीड और उसका इक्वेशन डिराइव करेंगे।